बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पिछले साल 1 लाख एकड़ का हमने कहा था धान छोड़ो, किसानों ने छोड़ दिया। इन किसान नेताओं ने अपने निजी स्वार्थ के लिए किसानों का उपयोग किया है। हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं चल रही फूट और किसान नेताओं की बयानबाजी के बाद अब हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बार फिर किसान नेताओं पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को बधाई देते हुए कहा कि ये उनकी दूसरी पारी है और वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान नेताओं का आंदोलन करने का उद्देश्य निजी है, जिसके लिए वो किसानों का उपयोग कर रहे हैं। वो भारत के नागरिक होने के नाते उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी पार्टी बनाए और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ दूसरी पारी की शुरुआत की। हालांकि पहली पारी का रिजल्ट जो था वो अच्छा नहीं रहा, अब लेकिन एक चीज़ करना उनके लिए मैं उचित नहीं मानता कि हरियाणा के किसानों को सड़क पर बैठाएं और पंजाब का मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित करें। जब हम हरियाणा के लिए एसवाईएल का पानी मांगते हैं तो उस मुद्दे को डिस्कशन में ना आने दें, तो बड़ी ये चीज़ें जो है हरियाणा के किसानों को अब समझ में आ गई है और वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि इन किसान नेताओं ने अपने निजी स्वार्थ के लिए किसानों का उपयोग किया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने सरकार की योजना मेरा पानी मेरी विरासत पर भी प्रकाश डाला और विधानसभा मॉनसून सत्र को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा पानी मेरा विरासत नाम से एक योजना बनाई थी जिससे किसान धान छोड़ करके कोई और फसल लगाएं कम पानी प्रयोग में लाने के लिए, और पिछले साल उसमें 1 लाख एकड़ का टारगेट था वो पूरा अचीव किया। इस बार 2 लाख एकड़ का था, उसमें हमें उम्मीद है कि उसको अचीव कर लेंगे। और उसके अलावा भी हमने DSR विधि से 1 लाख एकड़ धान बोने का कार्यक्रम किया और बहुत सारी स्कीमें पानी बचाने के लिए हमने की हैं। 85% सब्सिडी हम माइक्रो इरिगेशन के लिए देते हैं, जो बाजरा छोड़ के दाल बोता है उसको 4,000 रुपये देते हैं। तो हमारा लक्ष्य ये है कि किसानों की आमदनी बढ़े, धरती की उपजाऊ शक्ति बढ़े और हमारा जो सीमित साधन है पानी का उसका सही उपयोग हो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पिछले साल 1 लाख एकड़ का हमने कहा था धान छोड़ो, किसानों ने छोड़ दिया। इस बार हमारे 1 लाख एकड़ DSR विधि से धान बोया है जो कम पानी में हो जाता है, 1.25 लाख एकड़ जो है धान छोड़ के दूसरी फसल लगाई है लोगों ने, और दालों की खेती भी 1 लाख एकड़ की बाजरा छोड़ के वो अलग से की है। तो माइक्रो इरिगेशन के तहत हमने मिकाडा बनाई है पानी बचाने के लिए, पौंड अथॉरिटी बनाई है, रिचार्जिंग के लिए हम तालाबों में पानी भरवा रहे हैं ताकि नीचे धरती के अंदर पानी चले जाए। जो स्कीम हम बनाते हैं किसान उसको हमारा बहुत सहयोग करते हैं। किसान समझदार है, किसान समझता है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा धरा, अच्छी उपजाऊ धरती, अच्छा पानी, अच्छा जलवायु सब छोड़ के जाना चाहता है। विपक्ष के पास कोई विशेष मुद्दा नहीं है और हल्ला करना विपक्ष का काम है जो वो करती, जैसे पार्लियामेंट में किया है, पार्लियामेंट को ना चलने दे। और हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमने अच्छा काम किया है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोरोना में और संकट की घड़ी में, तो हमें किसी भी मुद्दे पर चर्चा करके और उनका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। भारतीय आर्थिक पार्टी की ओर से पंजाब में होने वाले चुनाव को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को CM का चेहरा पेशकश करने के बाद अब पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त मोर्चा के खिलाफ बगावत करते हुए पंजाब के किसानों पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से किसान आंदोलन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। साथ ही BJP के नेता और मंत्री एक बार फिर किसानों के मंसूबों को लेकर किसान नेताओं पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।